हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्वर कैशिंग देखा था, इन मेमोरी कैशिंग के बारे में समझा और डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग के बारे में, तो इस वीडियो में हम इन मेमोरी कैशिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है और हम लोग वेब ASP.NET को वेब API में इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर फ्रेम जो .NET SDK के वर्जन है वो 6 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। ये program.cs फाइल है। अब जैसे कि आप अगर आपने .NET 5 वर्जन पे काम किया होगा तो उसमें जो सर्विसेज और जो पाइपलाइन थी उसके लिए हमारे पास स्टार्टअप नाम की फाइल होती थी जिसमें हम लोग सर्विसेज को और पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करते थे। बट .NET 6 में क्या कर दिया है कि प्रोग्राम फाइल में ही हमको सर्विसेज और जो भी पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करना है वो इसी फाइल में करना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये डिफ़ॉल्ट हमको एक मेथड प्रोवाइड कर रहा है, गेट वेदर फॉरकास्ट। तो ये कुछ टेम्प्ररी डेटा रिटर्न कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और जिसमें हम लोग अपना इन मेमोरी कैसे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से API कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेना। ये कंट्रोलर का नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर रेडी है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है इन मेमोरी कैस इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबसे पहले इसके स्टेप है कि सबसे पहले हमको इसकी जो सर्विस है वो रजिस्टर करना है। तो हम लोग सर्विस कहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ये सेक्शन में। तो सबसे पहले हम इसकी सर्विस रजिस्टर करेंगे। तो builder.services.addMemoryCache, तो ये इन मेमोरी कैसे को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सर्विस है। अब ये सर्विस क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर अब जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये सर्विस के थ्रू है ना इसका इंस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी हमको दूसरा स्टेप क्या है कि डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है। तो आई मेमोरी कैसे एक हमारे पास है इंटरफेस, तो इसको नेम स्पेस इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमको। तो जैसे कि देख सकते हो यूजिंग microsoft.extension.caching.memory के अंदर हमारे पास ये इंटरफेस अवेलेबल है। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट क्या है कि हम लोग को मेथड क्रिएट करना है कि जहाँ पर हम लोग कैश डेटा को एक्सेस या रीड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो हम एक API मेथड क्रिएट करेंगे और मेथड का नाम मेथड होगी HTTP GET और उसका नाम होंगे सपोज गेट कैश डेटा। अब जैसे आपको बताया था कि कैश में जो होता है हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर हमको
कैश में से डेटा को रीड करना है तो हम लोग की वैल्यू पास करेंगे और उससे वो डेटा रिटर्न करेगा, और अगर सेट करना है तो की और वैल्यू दोनों हमको पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेट की डिफाइन कर लेते हैं हमारा, जैसे था की नेम एम्प्लॉय डेटा। अभी हम चेक करेंगे कि हमारे कैश मेमोरी में डेटा स्टोर है कि नहीं। ये मेमोरी कैश हमारा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है ये मैम, और इसमें एक हमको मेथड मिलती है ट्राई गेट वैल्यू, और उसमें हमको की पास करना है। जैसे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट टाइप की एंड वैल्यू, ये है कि अगर ये की का डेटा प्रेजेंट होगा तो ये वैल्यू में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा सपोज हो रहा है डेटा, तो की हम पास करेंगे और आउट हम लोग ये डेटा में स्टोर कर देंगे अगर वो डेटा प्रेजेंट होगा। तो अभी हम चेक करेंगे, अब ये जो मेथड है वो हमको क्या है बुल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम चेक करेंगे कि अगर कैश डेटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को फेच करेंगे डेटाबेस से और उसको कैश में स्टोर करके और यूज़र को रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले सपोज अभी हम लोग रियल टाइम में डेटाबेस से फेच करेंगे, तो यहाँ पे सपोज मैं स्टैटिक डेटा कुछ असाइन कर देता हूँ, जैसे ये हमारा स्टैटिक डेटा हो गया। और फिर हम अब ये जो डेटा रीड करने में उसको टाइम लग रहा है, तो अब रियल टाइम जैसे डेटाबेस से फेच करेंगे तो कुछ टाइम लेगा, तो यहाँ पर तो अभी ये सिंपल डेटा फेच कर रहा था कुछ टाइम नहीं लेगा, तो जिस वजह से हम थोड़ा डिले ऐड करना है, तो जिस वजह से हम लोग इसमें इसको थोड़े लिए स्लिप कर देते हैं 3 सेकंड के लिए हम लोग इसको स्लिप करा देते हैं। और अभी डेटा ये मिल जाएगा, अब हम लोग डेटा मिल गया, अब कैश में स्टोर करना है, तो वो हमको एक मेथड प्रोवाइड करता है सेट। सेट में आप देख सकते हो की और वैल्यू पास करना है हमको, तो हमारी की क्या रहेगी, ये की सेम रहनी चाहिए जिस की से हम लोग फेच भी कर सके, तो यहाँ पे की पास किया और वैल्यू क्या होगी हमारी ये, तो ये यहाँ पर हम डेटा पास कर देंगे। अभी एक हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग उसके जैसे आप देख सकते हो इसकी ओवरलोड मेथड अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें हम लोग कैश मेमोरी मेमोरी कैश एंट्री ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या हम लोग सेट कर सकते हैं कि ये जो कैश मेमोरी में डेटा है वो आफ्टर कितनी देर बाद वो एक्सपायर होना चाहिए। तो हम लोग जैसे सेट कर लेते हैं, अब इसमें दो चीज होता है, दो टाइम होता है, एक तो हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन होता है और एक होता है स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। तो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन में क्या होता है कि कोई भी मतलब ये पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा मेमोरी में से, भले आप वो डेटा के लिए एक्सेस करो कि ना करो उसको उससे मतलब नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन दिया है कि 20 seconds, तो ये जब डेटा हम कैश में स्टोर होगा तो आफ्टर 20 seconds ये जो डेटा है वो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक होता है स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। स्लाइडिंग एक्सपायरेशन क्या होता है कि जैसे यूजर रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए, तो अगर 10 seconds जैसे मैं सेकेंड ऐड करता हूँ कि 10 seconds, तो अगर 10 सेकेंड तक उसको कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी तो वो एक्सपायर रिटर्न वो जो डेटा है वो कैश मेमोरी में से इरेज हो जाएगा। फिर बाद में वो ये नहीं देखेगा कि एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन अभी तक आया है कि नहीं, 20 सेकेंड हुई है कि नहीं, वो अगर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी उसको तो वो इरेज कर देगा डेटा को। तो यहाँ पर हम ये ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये डेटा सेट हो गया।
और एट द एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे ये डेटा को। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो हमारे पास ये गेट कैश डेटा नाम की मेथड आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो देखो फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट गई तो वो कितना टाइम ले रहा है, और आफ्टर 3 सेकेंड हमको उसने डेटा रिटर्न कर दिया। अब अगेन रिक्वेस्ट आएगी तो देखो आप कितनी स्पीड में वो डेटा रिटर्न कर रहा है। अब आपको इधर मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हम वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, अभी क्या है वो कैश डेटा में है, तो 10 सेकेंड तक हम लोग कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तो वो डेटा इरेज हो जाएगा। अब जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो देखो वो सेंडिंग रिक्वेस्ट डेटा के लिए जा रही है रिक्वेस्ट, और आप देख सकते हो टोटल टाइम कितना है 3.71 सेकेंड। अब तुरंत हम एक और रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप देख सकते हो 122 मिली सेकेंड है, मतलब कितना ऑप्टिमाइज हो गया है आप देख सकते हो ये इन मेमोरी कैश में। अब आफ्टर 10 सेकेंड नहीं, मैं 10 सेकेंड तक कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तो आप देखना 10 सेकेंड बाद वो इरेज हो जाएगा। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से तो आप देख सकते हैं फिर वो 3 सेकेंड ले रहा है, और अब अगेन रिक्वेस्ट करते हैं तो 46 मिली सेकेंड। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ऑप्टिमाइज हो रहा है हमारा जो रिस्पांस मिल रहा है हमको। तो ये था इन मेमोरी कैश के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।